मेरे अग्रज अनुज बहने माताएं उन सबके चरणों में मेरा वंदन। बाहर से सभी गांवों से पधारे हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी माता बहने वृद्ध पुरुष बच्चे सबके चरणों में वंदन। और मुझे गर्व है जिस समाज पर, जिस समाज ने मुझे आज ये शरीर दिया, मुझे आज ये मौका दिया, मैं उस सेवक समाज को शत शत वंदन करता हूं कि मुझे ऐसी समाज में पैदा होने का मौका मिला। मैं अगर यहां मंच से किसी को संबोधित नहीं कर पाया हूं तो वो मुझे माफ करें। मेरे समस्त मीडिया भाई, मेरे समस्त प्रिंट मीडिया और जितने प्रकार के मीडिया हैं उनके भाइयों को भी चरणों में वंदन करता हूं। यहाँ के सभी कार्यकर्ता, सभी हिंदूवादी संगठन, सभी जनप्रतिनिधि और बहुत लंबी लिस्ट है, मैं पृथक पृथक में जाकर के संक्षेप में सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा चरणों का वंदन स्वीकार करें। गुरुओं ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, एक संतान धर्म के लिए देनी चाहिए। भगवान ने मुझे दो संतान दी, एक लड़का दिया, एक लड़की दी। आधा पेट काट करके मैंने हिंदू धर्म को समर्पित किया है। आज जो माही दीदी और परम श्रद्धेय श्रद्धा गोपाल जी जो दीक्षा ले रही है, उनके चरणों में शत-शत वंदन करने का मुझे मौका मिला है। बहुत ही बचपन से मेधावी, हर अध्ययन में, हर क्लास में टॉप, हर क्षेत्र में आगे, बचपन से लगा करके आज तक मैं बुराई नहीं ढूंढ पाया, एक भी बुराई उसमें नहीं मिली। और मेरे गांव के लोग कहते हैं इस बच्ची में, हो सकता है मैं अपने लाड प्यार से ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मेरे गांव के, मेरे समाज के, मेरे आसपास के परिवेश के लोग भी ये कह रहे हैं, तो शायद ये सच ही होगा कि उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं भगवान ने रखी। मैं भी पिता हूं, इसकी भी माता है, लेकिन वो हम सब पूर्व जगत के थे, वो हम सब थे में आ गए। मैं सबसे बड़ा तो गौरव कर रहा हूं उस मां को जिसने अपना पेट काट के दिया है, मैं उसको वंदन करता हूं। मैं तो बाप हूं, मेरा क्या है। उस मां की हृदय से पूछो जो इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपने बेटे को देने के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं उसको इस मन से वंदन करता हूं। मैं उस भाई को वंदन करता हूं जिसने अपनी बहन को इस राष्ट्र के काम में जाने के लिए सहमति दी। उसकी भाभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस राष्ट्र कार्य के लिए मेरी बच्ची का जो हठ था, जो एक उसका बचपन से एक लक्ष्य था कि मैं अध्यात्म में जगह जाऊंगी और मैं कोई संसार में कभी भी इस तरह का जीवन नहीं बनाऊंगी। एक माँ बाप होने के नाते, हम एक पाप के कर्म के होने के नाते, हमने कई बार उसके विश्वास को डगाने की कोशिश की है, पर कीचड़ कभी कमल को गंदा नहीं कर सकता। हमने बहुत कीचड़ उछाला, उसने हर कीचड़ को उसने फेंक करके साफ कर दिया। नहीं पापा, मैं धर्म में ही जाऊंगी। कई लोगों के मन में ये संदेह था, कई लोगों ने मुझे कहा भाई साहब एक ही बच्ची है और उसको कहां भेज रहे हो, लेकिन मैं धन्य हो गया हूं कि एक ऐसे दाता गुरु के
गोपाल परिवार में मैंने भेजा है, जहां पर ऊंचाई ही ऊंचाइयां। ये सारी जो दीदियां संत बैठे हुए हैं, कोई 13 साल से, कोई 14 साल से अध्यात्म में जगत में प्रवेश कर चुकी हैं। आज हजारों पब्लिक, हजारों जनता और लाखों गौ माता इनके प्रवचन से लोगों के घरों में आ चुकी हैं। कितना बड़ा पुण्य का काम इन्होंने किया। लाखों गौ माता कटने से बच चुकी हैं और वो पुण्य ये हमारी संत जो गोपाल परिवार की हैं, वो उस पुण्य को ले रही हैं। तो मैंने अपने संसार का मोह छोड़ा है, मैंने घर का मोह छोड़ा है, बेटी का मोह छोड़ा है और गौ माता की रक्षा के लिए इस पेड़ को काट करके गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया है। मैं गुरु का, दाता भगवान का कितना आभार व्यक्त करूं। दाता भगवान हिमालय से चल करके 8 दिन से निकले, नहीं इस बच्ची के कार्यक्रम में मैं आऊंगा। स्वास्थ्य आपका कमजोर है, आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है दाता भगवान की, डॉक्टर ने मना कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये मेरे भाग्य का, मेरे गांव के भाग्य का ये उदय हुआ है कि दाता भगवान हिमालय के तपस्या स्थल से चल करके 8 दिन के थकान भरे सफर को तय करते हुए यहाँ पे पधारे हैं। ये हमारे इस जरा का, इस बागड़ की जरा का पुण्य है। भाग्यशाली मैं भी हूँ, हजारों लोग जो इन 5-6 दिनों में मेरे घर पे आए उन्होंने कहा कि आप धन्य हो, वागड़ में ऐसा कभी हुआ नहीं है, दीक्षा आपने हिंदू धर्म में पहली हो रही है और हिंदू धर्म से अगर इसकी दीक्षा का मौका मुझे मिला है तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है। मैं इन आंसुओं पे नहीं जा रहा हूं, ना मैं अपने दिल को हल्का कर रहा हूं और सबसे ऊपर मेरे इस बड़ोदिया गांव के सभी समाजों का मैं तो रवंदन करता हूं, उनका चरण स्पर्श करता हूं, मेरे युवाओं का, मेरे साथियों का, मेरी गौ भक्त माताओं का। 600-600, 700-700 माताएं मेरे घर पे आकर के तीन दिन से भजन कर रही हैं। अगर शादी होती तो मैं गीत गाने के लिए बुलाता तो शायद 25-20 महिलाएं मेरे घर पे पधारती। मैं उन सब महिलाओं का वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। 500 से 700, 800 न जाने और कितनी गिनती है, कौन कहां घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, बैनर बांध टांग रहा है, क्या क्या धर्म का प्रचार कर रहा है और गर्व कह रहा है मेरे गांव की दीक्षा हो रही है। मैं उन भाइयों का, उन युवाओं का भी मैं वंदन करता हूं कि उनकी मेहनत से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, मेरी क्या हैसियत है। मैं इस पूरे गाँव का, इस समाज का, इस बागड़ का एक छोटा से छोटा और उससे छोटा एक अंश मात्र हूं, मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं पानी पिलाने जाऊं तो इतने सारे समाज को, इतने सारे लोगों को मेरी पानी पिलाने की भी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन उस क्षमता को आपने अपने कंधों पे उठा लिया है, तो आपने इस क्षमता को उठाया है तो मेरी बेटी को आपने आशीर्वाद दिया है। अब मेरी बेटी नहीं रही, ये पूरे देश की बेटी है, संतों की बेटी है, पूरे हिंदू धर्म की बेटी है और आप सबका आशीर्वाद इसको मिले। बहुत ऊंचाइयां छुए, हर घर में गौ माता है, इसकी वाणी से आए, गौ माता कटने से बचे और प्रत्यक्ष अपरोक्ष अप्रत्यक्ष मेरा अगर किसी से वाणी से कर्म से किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई हो तो उसे यहीं छोड़ करके मेरे स्वागत सम्मान में, मेरे आवभगत में, मेरे यहाँ बुलाने में किसी को कष्ट हुआ हो तो वो मुझे यहीं माफ करके, मुझे अपने चरणों का एक छोटा सा दास समझ करके माफ कर दे। मनोजिवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताद्मजं बालव्योस्त्रमुख्यम् श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये गावो मे अग्रते सन्तु गावो सन्तु मम प्रीष्टते गावो मम हृदयं नित्यं
मध्ये वसाम्यहम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, करिनौ रघुवर विमल जसु जो दायक परचारी। बोली श्री दाता भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गैया मैया की। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय दाता भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर चित्त में ज्ञान रूपी परम प्रकाश को प्रकाशित करने वाले तथा जिनकी अमृतमय वाणी को सुनकर जन सामान्य में तृप्ति का भाव जग जाता है, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करती हूँ। विराजित गो माता एवं सभी संत समाज एवं दीदियों को प्रणाम। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि मैं आप सबके जमात में से निकलकर गो सेवा का पुनित कार्य करने जा रही हूँ। दाता भगवान एवं सतगुरुदेव भगवान तथा गैया मैया की कृपा से मेरे जीवन में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मेरे भाई बहनों कहते हैं कि 84 लाख योनियों के पश्चात मानव तन मिलता है, लेकिन हम इस संसार की मोह माया और इन्हीं सब बंधनों में बढ़कर और इसको दलदल में ले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों मुझ पर दाता भगवान और गैया मैया की बड़ी कृपा रही कि मैं इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा आगे बढ़कर और गैया की सेवा में जा रही हूँ, तो इस सबसे मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। जब मेरी दीक्षा के कार्यक्रम का पता चला तो बहुत से लोगों ने कहा कि अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, मजे करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे चीजें खाओ। पर मेरे भाई बहनों जिसका बचपन खाते खाते निकल जाए, जिसका युवापन सोते सोते निकल जाए और जिसका बुढ़ापा रोते रोते निकल जाए, ऐसा पागलपन मुझे नहीं करना। बहुत से लोगों ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और तुम में इतनी समझ भी नहीं है। मानती हूँ मेरे भाई बहनों कि मुझमें मेरी अकल भी छोटी है और मेरी उम्र भी छोटी है, लेकिन एक बात बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत बड़ी है। दो कारण है इसके, एक तो स्वयं दाता भगवान के श्री चरणों के उनके सानिध्य में बैठकर मेरी दीक्षा हुई, और दूसरा कारण ये है कि सतगुरुदेव भगवान जैसे संत मुझे गुरु के रूप में मिले। मेरे भाई बहनों कुछ दिन पहले ही मैंने दाता भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया था कि दाता मुझे गो सेवा करनी है। दाता ने कहा बहुत अच्छा विचार है ये, तो मैंने कहा दाता पर परिवार वालों का क्या करूँ, वो तो मानेंगे नहीं मैं इकलौती हूँ। तो दाता भगवान ने कहा कि अगर विचार नेक हो तो गैया मैया सब कुछ रास्ता दिखा देती है। और मेरे भाई बहनों ये सत्य बात है कि अगर गौ माता के लिए गौ माता से ही प्रार्थना की जाए तो गौ माता अवश्य पूरी करती है। और उस जो बातचीत हुई उसको ज्यादा दिन नहीं हुई हो और कुछ दिनों के बाद ही ये प्रोग्राम आपके समक्ष है, तो मैं यहाँ विराजित सभी संत समाज एवं दाता भगवान की आभारी हूँ जिन्होंने अपनी साधना के समय में अमूल्य समय निकालकर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। और मैं मेरे परिवार और सारे समाज के भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस नए कार्य में जाने के लिए रोका नहीं। मुझे पता है कि मैं इकलौती बेटी थी इनकी, इसलिए इनके लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरी भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने मुझे कभी भी इस मार्ग में जाने के लिए रोका नहीं, तो मैं इन सबके बहुत ही आभारी हूँ। और आप सबके और संतों के सानिध्य में आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ मैं पूरे समाज का, मेरे परिवार का और इस वागड़ की कीर्ति को बहुत बढ़ाऊंगी। आपने मुझ पर विश्वास करके और मुझे जिस पुनित कार्य के लिए भेजा है वो पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी।
इसी के साथ मैं आपके भी बहुत आभारी हूँ जो इतनी तपती धूप में भी आप बैठे हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वो बड़ी ईमानदारी से करूँ। साथ ही मैं अब अंतिम शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि गौ सेवा पूरे जीवन भर गौ सेवा ही करनी है तो क्यों ना शुरुआत आज से ही की जाए। तो आपके आशीर्वाद स्वरूप मुझे जो भी भेंट या राशि मिली है उसमें से 11,000 तलवाड़ा गौशाला को और 11,000 बसवाड़ा वाली गौशाला को भेंट किए जाएंगे और जो भी उनके प्रतिनिधि है गौशाला के वो अभी ही मंच पर आ जाए और राशि ग्रहण कर ले। शीघ्र ही दोनों गौशालाओं के प्रतिनिधि आ जाए। मैं पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ तथा ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं गौ सेवा के जो कार्य में जा रही हूँ उसे मैं बहुत ही ईमानदारी और भरी प्रकार से कर पाऊँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता। इसका मतलब है जाओगे तो भी गंगा का सहारा लेना पड़ेगा और आओगे तो भी। तो मैं सोच रहा था मेरे भाई बहन, हिमालय में जाना तो अच्छा है पर हिमालय को त्यागना क्या अच्छा है। जब मैं पागड़ आ रहा था तो मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि दुनिया का हर दिव्य पुरुष साधक पुरुष हिमालय में जाते ही जाते हैं पर हिमालय के बाहर कौन जाता है? वो ही जा सकता है जो गंगा का सहारा ना छोड़े। तो मैं सोच रहा था मेरे भाई बहन, जब मैं उत्तरकाशी से निकल रहा था गंगा के किनारे तो मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि गंगा कितनी पागल है, हिमालय को क्यों छोड़ रही है, हिमालय में ऐसी कौन कमी है? क्या माता पिता कमजोर हैं, परिवार कमजोर है, समाज कमजोर, क्या चीज कमजोर हिमालय में जो हिमालय को छोड़कर के गंगा क्यों जा रही है बाहर की तरफ? तो मैंने गंगा को प्रार्थना की, मेरे भाई बहन
हे माँ, मेरी इतनी प्रार्थना है, तू हिमालय को छोड़ के क्यों जा रही है? अच्छा तू जाना ही चाहती है तो फिर राजस्थान में जा और बाड़मेर में जा, और जाए तो बाड़मेर क्षेत्र में भी चली जाना, क्योंकि वहां बरसात की बहुत कमी होती है। अगर तू राजस्थान में चली जाए है गंगा माँ, तो हम सदियों तक तेरा गुण नहीं भूलेंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग हम सब पानी के अभाव में प्यासे रहते हैं, और तेरे जैसी माँ यदि हमको मिल जाएगी तो हम सदा सदा के लिए प्यास का अनुभव कभी नहीं करेंगे। तो गंगा माँ ने कहा, चाहे तू कितनी ही प्रार्थना कर ले। उस गंगा ने मौन भाव से मुझे कहा, हे फकीर, चाहे तू कितनी ही प्रार्थना अनुनय विनय कर ले, पर मैं राजस्थान में कतई नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने गंगा से मेरे भाई बहन प्रार्थना की है, माता कोई बात नहीं, राजस्थान में माता, पर तू जिससे भी जा रही है उस घर को तो देखती कम से कम, वो खारा पानी है समुद्र, और समुद्र में जाने के बाद में दुनिया का कोई भी पशु पक्षी और मनुष्य तेरा आचमन नहीं कर सकता, ऐसी जगह तू जा रही है, इससे अच्छा तो राजस्थान में आ गए। तो गंगा ने मेरे भाई बहन उछल के कहा, नहीं, मैं राजस्थान में नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, मैं जाऊंगी तो समुद्र में जाऊंगी। तो मैंने फिर पूछा माँ से, माँ समुद्र में जाने का कारण क्या है? तो माँ ने एक ही बात कही कि यदि राजस्थान में जाऊंगी तो बाड़मेर के लोग दिवाली मनाएंगे, यदि बागड़ में जाऊंगी तो बागड़ के लोग दिवाली मनाएंगे, लेकिन यदि मैं समुद्र में चली गई और बादल बंद कर गए विश्व में बरसूंगी तो सारा संसार दिवाली मनाएगा। तो आज मुझे अनुभव हुआ इस बात का, मेरे भाई बहन, कोई भी भूमि कितनी ही निकृष्ट नहीं होती, हर भूमि में कोई ना कोई रत्न और लाल निकलते हैं। मैं सोच रहा था इस विश्व की धरती में अध्यात्म जगत में तीन ही तत्व ऐसे हैं जिनकी बराबरी विश्व में कोई नहीं कर सकता। पहला तत्व है परमात्मा, दूसरा तत्व है आत्मा, और तीसरा तत्व है जन्माने वाला महात्मा। घंटा डेढ़ घंटा लगेगा। परमात्मा, आत्मा और महात्मा, और तीनों के पीछे क्या आया? मैं आया। तो मेरे मन में विचार आया कि ये मैं सब बहुत महान नजर आता है, तो फिर मैं आगे आया, मेरे भाई बहन, तो यहां मैंने पूछा तो यहां का यहां माही नदी है, मैं आया ना। और फिर मैंने कहा जिसके घर घर में जा रहा है उसका नाम क्या, क्या वो भी महिमा है? तो मेरे भाई बहन, मेरे मन में आया कि विश्व में कभी कभी ऐसी किरणें पैदा होती है जो परमात्मा के समकक्ष होती है। तो धन्य भाग है यदि कौशल्या जैसी माँ नहीं होती, दशरथ जैसे पिता नहीं होते, तो राम जैसे अवतार मेरे भाई बहन अवधि की धरती पर नहीं आते। पुरुषोत्तम जी और इनकी पत्नी धन्य भाग है, बच्ची का तो संस्कार बाद में हुआ, पर जिनने संस्कार दिए, जिसने बच्ची को योग्य बनाया, धन्य भाग है। मेरे भारत देश में आज भी ऐसे माता पिता दशरथ और कौशल्या की तरह है जहां पर राम अभी भी पैदा हो सकते हैं। ये बच्ची मेरे भाई बहन